ने एक तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिव को दे दी। ये हमसे हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इस पर फाइंडिंग जो है इस पॉइंट पर ख़ासतौर से वो बहुत ही हम समझते हैं अनजस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके साथ हम हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं उसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, ना कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेट इट। बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है। लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना, 5 करोड़ के 500 करोड़ ज़मीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो उसका इसका मतलब ये है कि हमारे जो जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना, ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के कंस में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियाँ रखना भी गलत था, सब चीज़ें कहीं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं। जिलानी साहब, मेरा आपको से एक सवाल है कि आप इंडियन पहले और मुस्लिम बाद में हैं, बाबर वाज एन इन्वेडर, लुटेरा था, फिर आप उस मस्जिद के लिए इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? ऐसा है कि मस्जिद बाबर की नहीं होती है, मस्जिद बनने के बाद अल्लाह ताला की हो जाती है। तो बाबर का नाम उसमें मस्जिद में बहुत जगह आया भी नहीं है। आप रिकॉर्ड देखें तो 1862 के खसरे में उसको लिखा है मस्जिद जन्म स्थान, हम मस्जिद के नाम से मस्जिद जन्म स्थान लिखा हुआ है। वो मस्जिद राम के नाम पर हो तो भी मस्जिद है, कृष्ण के नाम पर हो तो भी मस्जिद है, जन्म स्थान के नाम पर हो तो भी मस्जिद है। हमारा बाबर से लेना देना नहीं है, हमारा ताल्लुक है मस्जिद से। हमने तो कहा है कि अगर आपको बाबर से इतनी नफरत है तो उसका नाम रख दीजिए राम मस्जिद, हम मानेंगे। शिवाला मस्जिद है लखनऊ में, तो हमारा ताल्लुक मस्जिद से है, बाबर के नाम से कोई हमें ताल्लुक नहीं। ये जो ऑब्जर्वेशंस में आए उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं मुस्तकबिल में। इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क के लिए मददगार हो सकता है। तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, ख़ासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 अमीर बाकी, जब अमीर बाकी से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती। अब मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता, लिख कर ही इस बात को कहूँगा, जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का उस वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना पूजा करने उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी, और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी अगर हमारी पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती है। चूँकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम, और ख़ासतौर से धवन साहब
और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर वो फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। तो इसलिए आज तो हम खाली अपनी राय दे सकते हैं, इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें। हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज़ की है वो सब रेफर कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं है। तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही है। तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं है, खुद उन्होंने माना, उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई, उन्होंने माना है कि इसमें मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो भाई जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी, 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने उन्होंने। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उस पर हमको पूरी तरह इत्मीनान नहीं है, उसकी सारी बातों से इत्तेफाक नहीं है, बाज़ बातें बहुत अहम हैं और उससे मुल्क में अमन अमान और हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करने में मदद मिलेगी, लेकिन बहुत सारी बातें और ख़ासतौर पर जो कंक्लूजन है उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है। लेकिन बहरहाल हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं जिसमें रूल ऑफ द लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो हम पहले से हम ये बात कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा जुडिशल सिस्टम फाइनली जो कंक्लूड करेगा उसको हम मानेंगे, उसका एहतराम करेंगे। तो हमारे वकील हजरात इसका जायज़ा ले रहे हैं कि इसमें रिव्यू पिटीशन या उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का इम्कान है नहीं है और किस तरह दाखिल करना चाहिए, इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो बहरहाल कंक्लूजन यही है कि हम इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, लेकिन मुल्क की आवाम से यही अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें, और कानून का एहतराम करते हुए मुल्क में अमन अमान और फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। बहरहाल जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि हम अनसेटिस्फाइंग जजमेंट से, लेकिन ये बात फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तनजीमें इस बात का पहले ऐलान कर चुकी थी कि जो भी फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। लेकिन एक बात ख़ास ये है कि मैं हिंदुस्तान की तमाम आवाम, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी अपील करता हूँ इस बात की कि वो अमन अमान कायम रखने में एक दूसरे की मदद करें, और इस मुल्क में किसी तरह इंतशार का माहौल नहीं होना चाहिए। जो लीगल फ्रेमवर्क में जो कुछ भी कानूनी टीम कार्रवाई करेगी उससे आप रात को फिर मुतला किया जाता रहेगा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी